नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और अगले आधे घंटे के दौरान आप हमसे कमोडिटी मार्केट से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल पूछ सकते हैं और जान सकते हैं कि आपके लिए बाजार में कहां पर कमाई के मौके बन रहे हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-1803545। इसके अलावा आप 01204258237 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। और चलिए आगे बढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं कि अगले 6 घंटे के लिए आप कहां पर कमोडिटी में ट्रेड कर सकते हैं। 3 कॉल हम आपको पहले बताने जा रहे हैं। आज की पहली बम्पर कॉल है लेड हेम सिक्योरिटीज की, जहां पर 149 के टारगेट के लिए बिकवाली की राय दी गई है। 156 के स्तर पर आप स्टॉप लॉस लगाएं। दूसरी महत्वपूर्ण कॉल शाम के कारोबार की, जहां पर आप कमाई कर सकते हैं। सिल्वर, यहां पर बाइंग की राय दी गई है 39,980 के टारगेट के लिए। फिलहाल बाजार यहां पर इससे नीचे ट्रेड कर रहा है। इसके अलावा तीसरी कॉल है कॉपर, और कॉपर में 462.50 के टारगेट के लिए बाइंग की कॉल है। 458.85 का लेवल यहां पर दिख रहा है। तो ये 3 बम्पर कॉल हैं, इस पर आप नजर रखिए। आगे कुछ और कॉल बताएंगे जहां पर आपके लिए कमाई के मौके हो सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे और सवाल जवाब के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं महत्वपूर्ण खबर की। दुनिया में सोने की मांग 10 साल में सबसे कम बढ़ी है जनवरी से मार्च के बीच। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी मार्च 2018 के बीच गोल्ड की मांग 2008 के बाद सबसे कम बढ़ी है। इस दौरान डिमांड पिछले साल के मुकाबले 7% घटकर 974 टन के नीचे फिसल गई है। तो ये गोल्ड डिमांड के ताजा आंकड़े हैं, और न सिर्फ दुनिया में बल्कि इंडिया में भी गोल्ड की डिमांड कम हुई है। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के एमडी, इंडिया के एमडी सुमा सुंदरम पीआर हैं बातचीत करने के लिए। सर, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। ये जो डिमांड में गिरावट आई है, क्या वजह है और क्या हाईलाइट्स हैं डिमांड कम होने के? फर्स्ट इज क्वार्टर वन globally is down because there has been less investment gold inflows into the ETF US, but there is still positive inflows. It's not an outflow. 32 tons was the inflow into the US ETFs this quarter against 96 tons last year. So there was a drop, but it is, as I said, it's still positive because gold was more or less stable in price terms, and that did not give much incentive for the investors. The second reason for the drop in demand is the bars and coins demand. Primarily, the drop was in China. Last year, quarter one, China had an exceptional first quarter last year because of the weaknesses in RMB, the property markets there, etc. Those reasons have faded away. Therefore, this quarter, what you saw was that people have moved away from buying bars and coins to buying jewelry, but that did not fully make up for this demand. So there was a big drop in China, 26%. The market is still very large for investment gold in China, but it was a drop compared with an exceptional quarter one. Following that, even Germany and US, the markets are weak in bars and coins, primarily for the reason I said. The price was, price movements were very, very, they were quite indifferent to the price movement. So that was within a small range. So that did not enthuse the investors. That's the primary reason. Jewelry was almost flat. But two positive stuff about this quarter is the demand from central banks was 116 tons, which is 42% up over the last year same quarter. And the technology demand driven by wireless was again up 4%. This is the sixth quarter we are seeing the increase there. So overall, because of the drop in investment demand in China, India, US and Germany, we saw a drop of 7% in the global demand. Okay, so आपने सुना विस्तार से कि डिमांड यहां पर क्यों कम हुई है, और डिमांड घटने की बड़ी वजह यह है कि शेयर बाजार ने पिछले कुछ महीनों में अच्छा यहां पर परफॉर्म किया है। उस वजह से लोगों ने गोल्ड से पैसा निकालकर शेयर बाजार में लगाया है, डॉलर मजबूत हुआ है, ब्याज दरों में बढ़ोतरी हो रही है। ये कुछ महत्वपूर्ण वजह है जिससे गोल्ड की डिमांड में गिरावट आई है। हालांकि वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने इस बात की उम्मीद जताई है कि चूंकि मानसून का अनुमान इस बार अच्छा है, तो आगे अगर मानसून वाकई ठीक रहता है
तो गोल्ड की डिमांड बढ़ सकती है, खास करके ग्रामीण इलाकों में। चलिए हमारे साथ अब बातचीत के लिए अमित सजेजा हैं, मोतीलाल ओसवाल कमोडिटी के, और साथ ही आस्था जैन है हम सिक्योरिटीज की। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। अमित, जो ये गोल्ड पर रिपोर्ट आई है वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की, जो डिमांड यहाँ पर कम हुई है और आगे हालांकि डिमांड बढ़ने की बात की जा रही है, इन दोनों खबरों को देखने के बाद किस तरह का ट्रेड आप रिकमेंड कर रहे हैं गोल्ड में? जी देखिए, आपने ग्लोबल डिमांड की तो बात की, जो लगभग 7% डाउन हुई है पिछले साल, जो 974 टन के आसपास है क्वार्टर में। साथ ही साथ इंडिया में भी अराउंड 88 टन का जो है एक देखने मिला है, जो इंपोर्ट्स है, जो करीबन 12-13% डाउन हुआ है। बट इसके ये बेसिकली इंडिया में ज्वेलरी डिमांड जो है वो कम हुई है, बट ये ऑफसेट हुआ है टू एन एक्सटेंट चाइना में, जो ज्वेलरी डिमांड है वो बढ़ी है इसको काउंटर करते हुए। तो बेसिकली ये है कि रिलेटिवली हायर प्राइजेस हमने इंडिया में देखे थे गोल्ड के पिछले क्वार्टर में, जहां जनरली 30 या 29,500 के ऊपर ही सस्टेन हो रहे हैं। तो हमने देखा कि जब भी दाम ज्यादा बढ़ जाते हैं तो थोड़े जो ट्रेडर्स होते हैं, जो बायर्स होते हैं, वो रुक जाते हैं। सेकंड एक रीजन ये भी है कि जो ऑस्पिशियस जो शुभ दिन होते हैं बाय करने के लिए, वो इस क्वार्टर में कम थे। एक्चुअली मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि इस रिपोर्ट को देखने के बाद जो दर्शक हमें देख रहे हैं, जो लोग गोल्ड खरीदना चाहते हैं उनको अभी खरीदना चाहिए या रुकना चाहिए? देखिए, मेरे ख्याल से इसके लिए प्राइस आउटलुक लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, और मेरे ख्याल से एमसीएक्स गोल्ड जो है या इंडियन गोल्ड प्राइसेस जो है उसका आउटलुक तेजी का है, क्योंकि रुपी भी डेप्रिसिएशन मोड में है। तो मेरे हिसाब से इनफैक्ट करंट प्राइस पे भी 1,000 रुपए हम ऑलमोस्ट करेक्शन देख चुके हैं टॉप से, तो अभी बाय किया जा सकता है। अगर आप एक क्वार्टर के लिए भी रखेंगे तो यहाँ से बेटर प्राइसेस दिख सकती है। ठीक है, ठीक है, आप कह रहे हैं कि दाम यहाँ पर बढ़ सकते हैं तो बाय करके चलना ठीक हो सकता है। चलिए, एक राय है गोल्ड को लेकर के, क्योंकि आगे हालांकि डब्ल्यूजीसी ने भी ये कहा है कि आगे गोल्ड की डिमांड बढ़ सकती है, क्योंकि मानसून का फोरकास्ट अच्छा आया है, और ऐसे में ग्रामीण इलाकों में खास करके ज्वेलरी की डिमांड बढ़ सकती है, ये बात वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने कही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं, ठीक है, डिमांड तो बढ़ेगी, देखना होगा क्या इम्पैक्ट होगा, लेकिन आज अगर कारोबार करना हो तो आपको क्या करना चाहिए? सिल्वर की बात कर लेते हैं, चांदी की। और चांदी देखिए 250 रुपए से ज्यादा बढ़ चुका है, जैसे जैसे शाम के कारोबार में मार्केट की रफ्तार अब बढ़ने लगी है, और कल भी हमने देखा था कि इवनिंग ट्रेड में ही बाजार ने छलांग लगाई थी 600 रुपए से ज्यादा की। आज भी बाजार एक बार फिर से एक्शन के मूड में आता हुआ दिख रहा है। आस्था जैन 39,765 के आसपास है, 40,000 तो छू ही लेगा आज? जी बिल्कुल, चांदी की बात करें और स्पेसिफिकली जुलाई के कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो काफी अच्छी तेजी हमें देखने को मिल सकती है। मेरा टारगेट 39,900 का शॉर्ट टर्म इंट्राडे के पर्सपेक्टिव से है, थोड़ा सा मीडियम टर्म व्यू है, एक या दो दिन का व्यू भी रखते हैं तो डेफिनेटली 40,000 के लेवल्स हमें इस काउंटर पे देखने को मिलेंगे। ओके, तो आप कह रहे हैं कि 40,000 का लेवल आज के कारोबार में दिख जाएगा, तो यानी जो आपने टारगेट दिया है 39,900 का, इसमें 100 रुपए और जोड़ दें? हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह से चांदी में मूवमेंट आया है गोल्ड की तरफ पे, और जिस तरह से कल फेड की मीटिंग में यहाँ पे कोई भी जो रेखा है वो एक स्टेटस को के मूड में रही है, तो उसकी वजह से गोल्ड और सिल्वर दोनों में अच्छी तेजी हमें देखने को मिल सकती है। चांदी में भी मैं बुलिश हूँ, बहुत बड़ी तेजी की यहाँ पे मैं राय नहीं दूंगी, बट इंट्राडे के पर्सपेक्टिव से जरूर बाइंग किया जाना चाहिए। पॉसिबल टारगेट जुलाई कॉन्ट्रैक्ट में 39,900 से 40,000 का। ओके ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। हमारे साथ संजू जुड़े हैं सवाल लेकर नागपुर से। संजू स्वागत है आपका, पूछिए। टीवी का वॉल्यूम कम करिए और फिर सवाल पूछिए प्लीज। मेरे पास किसान, मैं किसान हूँ। हाँ, मेरे को सोयाबीन के बारे में पूछना है, चार हजार को दिखेगा या सोयाबीन की नहीं दिखेगा? हाँ ठीक है, आप किसान हैं, आप जानना चाहते हैं क्या 4,000 के भाव पर सोयाबीन बिकेगा या नहीं? क्या लगता है अमित आपको, 4,000 का भाव सोयाबीन का दिखता है आपको? जी जी, आई थिंक इन्हें दिख सकता है, थोड़ा टाइम लगेगा, अभी कंसोलिडेशन में है। एक्चुअली 200 रुपए की रेंज में ब्रॉडली पिछले 2 महीने से घूम रहा है, बट मेरे ख्याल से करंट भाव से बहुत ज्यादा डाउनसाइड नहीं है। अगर ये एक आध महीना होल्ड रख सकते हैं तो इन्हें 4,000 के करीब 3,900-3,950 के दाम डेफिनेटली दिख सकते हैं। आनंद बंसल साहब हैं हमारे साथ छत्तीसगढ़ से, पूछिए बंसल साहब। सर ये कोरिएंडर 3-4 महीने में क्या चला जाएगा? 3-4 महीने में कोरिएंडर कहां तक जा सकता है,
ये आपने बड़ा लंबा आउटलुक लिया है और कोरिएंडर को चुना है, आपके पास कुछ इन्फॉर्मेशन है क्या प्राइस को लेकर बंसल साहब? चलिए ठीक है, आपको बताते हैं, लगता है कि आप तक आवाज नहीं पहुंच पा रही होगी। लेकिन आस्था, 3 से 4 महीने का क्या टारगेट है आपका कोरिएंडर को लेकर? बेसिकली कोरिएंडर की बात करें तो जिस तरह से डिमांड सप्लाई आउटलुक यहाँ पे बना हुआ है, अभी एक बार थोड़ी गिरावट हमें इस काउंटर पे देखने को मिल सकती है। 4400 का एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है, 4400 तक प्राइसेस जा सकती है। 3000 जो इनका भाव ये बोल रहे थे, इतना नीचे नहीं लगता है, लेकिन हाँ 4400 का सपोर्ट पकड़ा तो वापस से तेज होगा। पर हाल फिलहाल क्योंकि मंदी है तो मैं यहाँ पे बिकवाली की सलाह दूंगी, पॉसिबल टारगेट 4420 का रहेगा। 4420 का आप टारगेट दे रही हैं, यानी गिरावट की संभावना आप जता रही हैं। आज एक और खबर आई है चीनी को लेकर, और चीनी का रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है। 30 अप्रैल तक के जो आंकड़े हैं इस्मा के, जो कि चीनी मिलों का संगठन है, वो आंकड़े अपने आप में काफ़ी दिलचस्प हैं, क्योंकि 310 लाख टन से ज़्यादा का उत्पादन हुआ है 30 अप्रैल तक चीनी का। और माना ये जा रहा है, इस्मा को इस बात की उम्मीद है कि सीजन खत्म होने तक ये आंकड़ा 320 लाख टन के पार चला जाएगा। आपको ये बता दें कि पिछले साल 203 लाख टन का ही उत्पादन हुआ था, यानी पिछले साल के मुकाबले करीब करीब 117 लाख टन ज़्यादा उत्पादन है। और यही चीनी मिलों के लिए बड़ी मुश्किल है, क्योंकि रिकॉर्ड उत्पादन से चीनी की कीमतें कम हो रही हैं, और चीनी मिलें ये दलील दे रही हैं कि कीमतें कम होने से वो गन्ना किसानों का भुगतान नहीं कर पा रही हैं, इसीलिए सरकार को इंटरवीन करना पड़ा है। 5.5 रुपए प्रति क्विंटल सब्सिडी देने का ऐलान सरकार ने इसलिए किया है, जो खबर सबसे पहले आपको जी बिजनेस ने दिखाई थी। और इससे जुड़ी हुई दूसरी भी एक खबर है कि कल जीएसटी काउंसिल की बैठक होगी, जहां पर शुगर के ऊपर सेस लगाने का फैसला हो सकता है, और साथ ही एथेनॉल पर जीएसटी 18% से घटाकर 5% करने पर भी फैसला होने की संभावना है। अजय बहेती, आपका इन दोनों खबरों को देखने के बाद शुगर को लेकर क्या आउटलुक है? देखिए, ऑब्वियसली जो एक्सेस सप्लाई है उसका प्राइस पे तो इम्पैक्ट दिख ही रहा है, और अभी भी कोई हाल बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है। मेरे हिसाब से 2700 के करीब प्राइसेस हैं, ये 2500 रुपए तक भी स्लिप हो सकती है। तो बेसिकली अभी भी सेल का बायस ओवरऑल बना हुआ है। ओके, आप कह रहे हैं कि गिरावट अभी बाकी है, और गिरावट की संभावना बनी हुई है, क्योंकि उत्पादन काफ़ी ज़्यादा है, सप्लाई मार्केट में काफ़ी ज़्यादा है उसके मुकाबले, डिमांड के मुकाबले, और उसका इम्पैक्ट साफ तौर पर प्राइस के ऊपर दिख रहा है। कीमतों को सपोर्ट देने की कोशिश हो रही है, लेकिन चूंकि सप्लाई इतनी ज़्यादा है कि कोशिशें यहाँ पर बहुत कामयाब नहीं हो पा रही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, और हमारे साथ अब मनोज जुड़े हैं बरेली से। मनोज पूछिए। हाँ नमस्कार सर। नमस्कार, पूछें। सर मैंने साल और चूड़ा सेल कर रखे हैं सर, 4519 पे। 4519 पे? जी सर। और सर दो लॉट सेल कर रखे हैं सर 4542 पे सर, आज ही किए हैं ये। 4542 पर भी आपका शॉर्ट है, और 4529 का लेवल है। आस्था जैन जी, क्या रुकना चाहिए? 4500 के आसपास का भाव आप देख रही हैं? बेसिकली शॉर्ट किया हुआ है, लेकिन जिस तरह से क्रूड में यहाँ पे ईरान पे सेंक्शन लगाने की बात चल रही है, उसकी वजह से हमने ऑलरेडी काफी अच्छा एक बाउंस बैक देखा है। 4600 तक भी ये जा सकती है, शॉर्ट किया हुआ है, और अभी अगर थोड़ा सा नीचे है तो मैं ये सलाह दूंगी कोई रिस्क ना लेते हुए एक बार अपनी पोजिशन में प्रॉफिट बुक करें। ठीक है, तो आप करें कि ओके, लेकिन अगर इन्होंने शॉर्ट किया है तो 4500 के भाव पर आपकी बाइंग की राय है, लेकिन अगर आपकी राय 4500 के भाव पर बाइंग की है और अगर 4500 तक भाव आ जाएगा तो ये शॉर्ट से निकल जाए फिर, आप ये कह रही हैं? जी बिल्कुल, क्योंकि मेरे हिसाब से इन्होंने 4500 से ऊपर शॉर्ट किया हुआ है, तो डेफिनेटली 4500 तक भाव आते हैं तो इन्हें प्रॉफिट होगा, तो एक बार अपना प्रॉफिट बुक करके एग्जिट करें। यस, परविंदर है गुजरात से, पूछिए परविंदर जी। सरसों की खरीद नहीं है, और 3300 रुपया आज की तारीख है।
और हफ्ता मैडम के अमित जी से क्वेश्चन है कि आगे का क्या रहेगा 3800 पर जो अभी मार्केट है इसका हाजिर में 3300 रुपए बिक्री है ये सरसों भुज एपीएमसी में कच्छ में ओके ओके आगे का आपको मिलाकर जानना चाहते हैं कि भाव किस ओर जाने वाला है सरसों का अमित क्या लगता है आपको सरसों का प्राइस जी देखिए गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट की बात डेफिनेटली चल रही है और काफी दिनों से हमने एक वन साइड डाउनवर्ड मूव आते देखा है तो शॉर्ट कवरिंग भी ड्यू थी थोड़ा बहुत बाउंस बैक यहां से करंट प्राइस से एक्सपेक्टेड है बट बहुत लंबी तेजी नहीं देख रहा हूं ये पॉसिबल है कि 150 से 200 रुपए का एक बाउंस बैक मिल सकता है मतलब यहां से करीबन 4000 तक फ्यूचर्स में भाव इन्हें देखने मिल सकते हैं चलिए आप कह रहे हैं कि 4000 तक का भाव फ्यूचर में दिख सकता है 3800 के आसपास का है भाव यानी 200 रुपए की तेजी यहां पर दिख सकती है यह मानना है अमित का सवाल जवाब का सिलसिला जारी है और हमारे साथ बीकानेर से भादर जुड़े हैं सवाल पूछने के लिए पूछिए नमस्कार सर नमस्कार पूछे सर मेरा कॉटन सीड ऑयल केक में पोजीशन बना रखी है सर 50 लॉट की 1199 पे नहीं आप रेट फिर से बताएं 1199 हाँ कॉटन सीड ऑयल केक में सर ओके हाँ ठीक है 1199 पे आपने बाय किया लॉट मैंने बाय कर रखे हैं तो अभी कहाँ तक बना रहना चाहिए प्लस एक बार रेट दिखाइए जरा कपास खरी का हाँ कॉटन सीड ऑयल केक का एक बार रेट दिखाइए 1199 के भाव पर आपकी बाइंग है कॉटन सीड ऑयल केक की और ये प्राइस अभी 1270 के ऊपर है काफी अच्छा ट्रेड आपने किया है 4% की शानदार तेजी आज कॉटन सीड ऑयल केक में दिखी है और पिछले दिनों ये काउंटर काफी टूट चुका था 5 साल के निचले स्तर तक लुढ़क गया था लेकिन उसके बाद देखिए एक शार्प जंप आया है तो मुझे लगता है कि आपने बड़ा सही ट्रेड पकड़ा है क्या लगता है अमित रुकना चाहिए अभी या फिर और तेजी की संभावना बनी हुई है आई थिंक लकीली इन्होंने शायद बहुत ही एक अच्छे लेवल पे एंटर कर लिया है और 4% सर्किट भी लगा है और आई थिंक हो सकता है कि एक आध दिन और सर्किट लगे ऊपर के तो मेरे हिसाब से 1330-1340 तक तो एक इमीडिएट रैली में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आई थिंक बने रहना चाहिए ओके तो 1330 का टारगेट है आपके लिए और आपको रुकना चाहिए ये सलाह आपको अमित दे रहे हैं अच्छा ट्रेड आपका है बहुत सही लेवल पे आपने एंटर किया है सही ट्रेड को आपने पकड़ा है ये अच्छी बात है चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारे साथ अब यश जुड़े हैं महाराष्ट्र से पूछिए यश हाँ सर 100 क्विंटल सोयाबीन बाय किया है 3750 पे ओके 3750 पर 100 क्विंटल बाय किया है ठीक है आस्था क्या आगे अच्छा भाव मिलेगा सोयाबीन का शॉर्ट टर्म का अगर व्यू है तो थोड़ा और फिसल सकता है प्राइसेस करंट लेवल से लेकिन मीडियम या लॉन्ग टर्म का व्यू रखते हैं तो अपनी पोजीशन को होल्ड करें शॉर्ट टर्म में एक बार ऐसा लगता है प्राइसेस 3590 से लेके 3550 तक का भी हमें यहाँ पे एक डाउनसाइड दिखा सकती है तो अगर इनका मध्यम अवधि का या लंबे अरसे का इनका व्यू है तो होल्ड करें नहीं तो शॉर्ट टर्म का व्यू है तो एग्जिट करें लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म का आपका टाइम फ्रेम क्या है कितने महीने के लिए लॉन्ग टर्म और कितने महीने के लिए शॉर्ट टर्म शॉर्ट टर्म में यहाँ पे जो मैं यहाँ पे टाइम देख रही हूँ अराउंड 15 डेज का मैं यहाँ पे टाइम फ्रेम इन्हें सजेस्ट करना चाहूंगी 15 डेज से लेके 1 मंथ में एक शॉर्ट टर्म का यहाँ पे रह सकता है लेकिन मीडियम टू लॉन्ग टर्म 1 महीने से ऊपर का समय अवधि अगर ये होल्ड कर सकते हैं तो जरूर अपनी पोजिशन को कंटिन्यू करेंगे कृष्ण मोहन है ग्वालियर से हमारे साथ जुड़े हैं पूछिए कृष्ण मोहन सर नमस्कार सर नमस्कार पूछे सर मेरे पास तो 1450 का सर मेन चौक मेरा बाइक किया हुआ है काफी दिन हो गए हैं सर किस भाव पर बाइक किया है आपने 1450 बाय किया था सर और भाव नहीं आ रहा है क्या करूं निकल जाऊं क्या करना 1400 के भाव पर आपने बाइक किया है 1300 के नीचे है भाव स्टॉप लॉस आपने नहीं लगाया पहली गलती आपने यहाँ पर की लेकिन अब क्या सुझाव है आपका अमित इनके लिए आई थिंक भाव आना मुश्किल है मेरे हिसाब से प्राइसेस डिक्लाइन और हो सकती है यहाँ से आगे आने वाले समय में आई वुड से एक बार निकलना बेटर रहेगा लॉस बुक कर लीजिए बात है क्योंकि उत्पादन भी बढ़ने की बात की जा रही है तो शायद तेजी आपको यहाँ पर ना दिखे ये बात फंडामेंटल के मुताबिक भी है चलिए अब वक्त है रैपिड फायर राउंड का जहाँ पर हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि 3 और कौन सी कॉल होंगी बिल्कुल करंट रेट पर जहाँ पर आपके लिए कमाई के मौके बन सकते हैं अमित आपकी पहली कॉल
थिंक कॉपर एक बार 457.50 के आसपास बाय किया जा सकता है, अपसाइड में 462.5 के दाम दिख सकते हैं, 455 का स्टॉक होगा। आपकी कॉल आस्था, जिंक में सेलिंग की सलाह देना चाहूंगी, पॉसिबल टारगेट 202 का। आपकी आखिरी कॉल अमित जी, देखिए चांदी का टारगेट करीबन 39,980 था, अभी थोड़ा नजदीक है, बट अभी भी चाहिए तो 39,700-750 जोन में बाय किया सकते हैं, मेरे हिसाब से 40,000 के भाव इंट्राडे में दिख सकते हैं। ओके, शुक्रिया अमित आपका और आस्था आपका भी हमसे जुड़ने के लिए और ये बताने के लिए कि आज कमोडिटी मार्केट में कहां कहां पर ट्रेड करने के मौके बन रहे हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।